ये वही पटना की ट्रैफिक पुलिस है जिन्हें धमकाकर केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार बिना चालान कटवाए निकल जाती है। लेकिन एक आम आदमी ने कुछ सवाल किए तो बिदक गई पटना की ट्रैफिक पुलिस। चालान तो देना होगा, सीट बेल्ट न लगाने का दे दीजिए, अच्छा छोड़िए जेब्रा क्रॉसिंग का ही दे दीजिए जिसे पार करने के लिए हमने ही कहा था। DMCA जा रहे तो बोला मैडम आप गाड़ी साइड कीजिए, तो बोले कहाँ लगाए, तो यहाँ गाड़ी साइड करवाया। उसके बाद बोला मैडम आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ आइए, तो जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद जब सारा पेपर देख लिए तो लाइसेंस लिए, लाइसेंस अपने पास रखी और बोले कि मैडम आपको 5000 रुपया दे के जाना होगा। हम बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं बोरिंग रोड जाएंगे अभी, तो बोलता है नहीं आपके पास पैसा है, आप 5000 रुपया दे दीजिए और चले जाइए, कम से कम सीट बेल्ट का दे के जाइए। तो हम सुनिए ना, हम बोले कि सीट बेल्ट तो सर हम लगाए हुए थे दोनों आदमी, तो किस बात का फाइन, तो जेब्रा क्रॉसिंग का आपने गाड़ी ऐसे घुमाया, हमने हमने नहीं घुमाया आपका स्टाफ ने घुमाया। महिला की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने जबरन चालान काटने की कोशिश की, सारे पेपर दुरुस्त थे, सीट बेल्ट भी लगाए थे, लेकिन खुद पुलिस वाले ने गाड़ी साइड लगवाकर खुद ही जेब्रा क्रॉसिंग पार करने का चालान काटने लगे। DMCA जा रहे तो बोला मैडम आप गाड़ी साइड कीजिए, तो बोले कहाँ लगाए, तो यहाँ गाड़ी साइड करवाया। उसके बाद बोला मैडम आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ आइए, तो जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद जब सारा पेपर देख लिए तो लाइसेंस लिए, लाइसेंस अपने पास रखी और बोले कि मैडम आपको 5000 रुपया दे के जाना होगा। हम बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं बोरिंग रोड जाएंगे अभी, तो बोलता है नहीं आपके पास पैसा है, आप 5000 रुपया दे दीजिए और चले जाइए, कम से कम सीट बेल्ट का दे के जाइए। तो हम सुनिए ना, हम बोले कि सीट बेल्ट तो सर हम लगाए हुए थे दोनों आदमी, तो किस बात का फाइन, तो जेब्रा क्रॉसिंग का आपने गाड़ी ऐसे घुमाया, हमने हमने नहीं घुमाया आपका स्टाफ ने घुमाया, इसी बात में हमको बोला कि हवा में उड़ा देंगे। कार चालक ने जब विरोध किया तो आसपास के लोगों का साथ भी चालक को मिल गया, हंगामा हो गया, सड़क को जाम कर दिया गया, नारेबाजी की जाने लगी। पुलिस को लग गया कि मामला तो गड़बड़ हो गया है, बस फोर्स बुलाने में देरी ना की। पुलिस और आम लोगों के बीच में जमकर झड़प हुई है और इसकी वजह यह है कि एक युवक, एक व्यक्ति को जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था उसको पुलिस ने रोका, उसको चालान करना चाहा और उसी दौरान जो स्थानीय लोग हैं वो उग्र हो गए, क्योंकि जो नया कानून नियम है मोटर व्हीकल नियम, उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है क्योंकि इसमें फ़ाइन जो है बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस से भिड़ गए और पुलिस को भी जो है वो लाठी चार्ज करना पड़ा। फोर्स आई तो सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को सेकंड न लगे गायब होने में, फोर्स के सामने जो भी आया उसे पीटा, गिरा गिरा कर दिया। किसी आदमी का आरोप था कि सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, तो उससे मनमाना राशि वसूली की जा रही थी। आप क्या जांच कर पाए आप? वैसा अभी विस्तृत जांच नहीं हो पाई है, प्रारंभिक जांच से ये है कि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, ये पक्का हो गया है। हाँ साहब कह रहे हैं कि अभी विस्तृत जांच तो की नहीं गई है, करेंगे। खैर नए नियमों के आने के बाद इस तरह से सड़कों पर लोगों का गुस्सा भी खूब दिखा है, कोई रो रहा है तो कोई गुस्से में बाइक को ही आग लगा दे रहा है।